मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस जनवरी के मंथ में हम लगातार परमेश्वर के वचन की विशेषताओं को सीखते आ रहे हैं। और आज 12 जनवरी 2023 है, और आज परमेश्वर के वचन की एक और मुख्य विशेषता हम देखने जा रहे हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 7 पद को हम इस समय पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, वचन बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो, क्या चाहते हो तुम? हाँ, प्रभु कह रहा क्या चाहते हो तुम, जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कोई कैटेगरी नहीं है, प्रभु कह रहा है छोटा बड़ा, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, कितनी बड़ी चीज चाहिए तुम्हें। वो आसमान और जमीन का मालिक है, वो सब कुछ दे सकता है। हालेलुया, उसे पता है कि तुमको क्या चाहिए। तुम्हारे मांगने से पहले वो तुम्हारी जरूरतों को जानता हो। कह रहा क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए। हालेलुया, हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा रो मत, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बताओ, पापा देंगे तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। हालेलुया, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया, कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, हमारे मांगने से पहले जानता है। हम कैसे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, आज हम सीख रहे हैं। वचन के द्वारा प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। वचन उन्नति लाता है, वचन सुधार लाता है, तसल्ली लाता है, वचन मार्ग दिखाता है। और आज हम देख रहे हैं कि वचन के द्वारा प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, वचन के द्वारा प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। जब प्रभु अपने वचन को देखेगा कि हम उसके वचन पर चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, हालेलुया, वो हमें दिलाएगा, मेरा बेटा नहेमिया बहुत बार मुझसे मांगता है, मैं उसे दिलाता हूँ, गिफ्ट दिलाता हूँ, कई बार वो मुझे नहीं मांगता। अब मैं कहीं बाहर गया हूँ, राजस्थान गया हूँ, गुजरात गया हूँ, मैं कहीं हरियाणा में हूँ, कहीं बाहर हिमाचल में हूँ, उत्तराखंड में हूँ, मुंबई में हूँ, कहीं भी हूँ, प्रार्थना के लिए गया हूँ, प्रचार के लिए गया हूँ। अब मैं वहां से जब वापस आता हूँ तो मैं अपने दोनों बेटों के लिए, नहेमिया के लिए, एजरा के लिए, मैं दोनों के लिए एक एक गिफ्ट लेके मैं जाता हूँ। वो बोलते नहीं है, अभी नहेमिया थोड़ा थोड़ा बोलता है, लेकिन वो मांगता नहीं है मुझसे, लेकिन मैं लेकर जाता हूँ उसके लिए। मैं जाता हूँ तो वो बैग खोल कर देखते हैं कि हमारे लिए पापा कुछ लेकर आए हैं। आप समझ रहे हैं, उनके मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो देखेंगे, वो ये उम्मीद लगाए हुए होंगे कि पापा कुछ लेकर आएंगे। आमीन। जब यीशु मसीह आया हमारे लिए, जब जीसस पापा आए हमारे लिए, वो बड़ी आशीषों को लेकर आए, वो जीवन को, बहुत आयत के जीवन को लेकर आए। वो कह रहे मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। वो कह रहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे चुका हूँ सब कुछ, मैं क्रूस के ऊपर पूरा कर चुका हूँ सब कुछ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कई बार मैं नहेमिया को वो खिलौने की दुकान पे जाने की जिद नहीं करता, मैं अपने आप ही ले जाता हूँ, और सरप्राइज हो जाता है, पापा अपने आप मुझे खिलौने की दुकान पर ले आए, उसने नहीं कहा जाने के लिए, लेकिन मैं लेकर गया। मैं बोलता हूँ बेटा बता तेरे को इस दुकान में क्या चाहिए। हालेलुया, और जो खिलौना वो कहता है मैं उसे दिलाता हूँ। हमारा पिता जानता है कि हमारी क्या जरूरत है। हालेलुया, वो खुद से हमें देना चाहता है, खुद से वो हमें देना चाहता है। आपको पता है जब आप वचन पर चलेंगे ना, जब आप आज्ञाओं को मानेंगे, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पिता आपको खुद देगा, अपने आप देगा। आमीन, ऐसा हमारा जीवन हो। तो आज एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस प्रकार वचन के द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। जरूर कमेंट कर YouTube पर आप इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। आमीन, गॉड ब्लेस यू।